तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2020 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बताऊंगा। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ ओपनर्स। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो दो ओपनर्स हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़े टाइम पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोच ने ये अनाउंस किया है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो ओपनर होने वाले हैं वो होने वाले हैं एरन फिंच और कैप्टन विराट कोहली। लेकिन एरन फिंच और विराट कोहली को ओपनिंग पेयर देने के बाद, जब मैंने आरसीबी के प्लेइंग 11 पे काम की, ये वीडियो बनाने के पहले मैंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूरे स्क्वाड को एनालाइज किया है एंड देन मैं ये प्लेइंग 11 बना रहा हूँ। तो इन दोनों प्लेयर्स को ओपनिंग पेयर देने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो स्क्वाड है, जो प्लेइंग 11 है, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। बिकॉज पार्थिव पटेल को अगर हम नंबर 3 पे रखते हैं तो पार्थिव पटेल उस टाइप के बैट्समैन नहीं है जो 3 नंबर पे आके बल्लेबाजी कर सके। बिकॉज उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो बहुत कम रहता है एंड वो ओपनिंग ही ठीक करते हैं। एंड उसके बाद विराट कोहली आके बहुत अच्छे खासे रन बना सकते हैं। और यू नो विराट कोहली मतलब मेंटेन रखते हैं, जैसे कि 10 ओवर हो गया तो वो, अगर विराट कोहली है तो वो 90 के पार ही रन रखेंगे, वो ऐसा बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अगर पार्थिव पटेल को आप 3 नंबर पे उतारोगे तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम रहता है, तो जो स्कोर रहेगा मतलब 10 ओवर में 70 रन 80 रन ऐसा चलेगा, देन एंड में जो बल्लेबाज आएंगे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके हिसाब से जब मैंने प्लेइंग 11 बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ एंड ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो आरसीबी के ओपनर्स होने चाहिए वो होने चाहिए पार्थिव पटेल और एरन फिंच। एरन फिंच इस टीम के पहले ओवरसीज प्लेयर होंगे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली जो इस टीम के कप्तान होने वाले हैं एंड एवी डिविलियर्स जो इस टीम के दूसरे फॉरेन प्लेयर होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके लोअर ऑर्डर के बारे में, जो है गुरकीरत मान सिंह, क्रिस मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर। किरत मान सिंह के जगह पे हमें शिवम दुबे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे के कंपेयर में गुरकीरत मान सिंह ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं एंड आई एम श्योर इस बार आरसीबी एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहेगा। एंड मेरे हिसाब से गुरकीरत मान सिंह प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं शिवम दुबे से, तो मेरे हिसाब से तो पहले के मैचेस में गुरकीरत मान सिंह को ही मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो अगले खिलाड़ी होंगे लोअर ऑर्डर में वो होंगे क्रिस मॉरिस। मैं आपको बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास दो कमाल के ओवरसीज ऑलराउंडर्स हैं, क्रिस मॉरिस और मोइन अली। तो इन दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है, बिकॉज वी ऑल नो एरन फिंच और एवी डिविलियर्स का तो कंफर्म है, ये दोनों खेलने वाले हैं स्टार्टिंग के मैचेस में। आप फिंच का भी कह सकते हो कंफर्म है, फिंच खेलने वाले हैं। तो ये दोनों प्लेयर का अगर स्लॉट कंफर्म है एंड अगर दोनों ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं तो बॉलिंग थोड़ी वीक हो जाएगी एंड आई एम श्योर इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक ही ऑलराउंडर को खिलाया जाएगा, चाहे वो क्रिस मॉरिस हो या मोइन अली, बट मेरे हिसाब से क्रिस मॉरिस को स्टार्टिंग के मैचेस में खिलाया जाएगा, बिकॉज उनको बहुत पैसे में खरीदा गया है एंड आई एम श्योर बैंगलोर की टीम चाहेगी कि उनको सही से यूज करे, तो मॉरिस खेलने वाले हैं। इसके बाद जो अगले ऑलराउंडर होंगे लोअर ऑर्डर में वो होंगे वॉशिंगटन सुंदर। मैं आपको बता रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे पवन नेगी भी खेल सकते हैं, पवन नेगी इनके एक बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट है अगर वॉशिंगटन सुंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो। लेकिन पहले वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे स्टार्टिंग के मैचेस में, लास्ट सीजन इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड आखिरी के ओवर्स में आके ये अच्छे खासे रन बना सकते हैं एंड ये एक स्पिन गेंदबाज है, बहुत किफ़ायती साबित होते हैं, तो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनका रिप्लेसमेंट है पवन नेगी। इसके बाद हम बात करते हैं आरसीबी के बॉलर्स के बारे में। आरसीबी का हर साल बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बॉलिंग, लेकिन ये जो मैंने 4 बॉलर्स रखे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। उमेश यादव, नवदीप सैनी, डेल स्टेन जो इस टीम के चौथे फॉरेन प्लेयर होने वाले हैं एंड युजवेंद्र चाहल। बॉलर्स में से एक है, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, सो लेट्स जस्ट होप कि ये अच्छा परफॉर्म करे। इसके बाद नवदीप सैनी, मैं आपको बता दूं नवदीप सैनी के जगह पे मोहम्मद सिराज को भी मौका दिया जा सकता है अगर सैनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो, लेकिन स्टार्टिंग के मैचेस में नवदीप सैनी को ही खिलाया जाएगा। इसके बाद इनके पास डेल स्टेन है, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, लास्ट टाइम इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस साल इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की
बिकॉज ये अगर चार ओवर्स अपने निकाल देते हैं बहुत ही किफ़ायती साबित होके, देन बेंगलोर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्रिस मॉरिस, उमेश यादव, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा ये बेंगलोर के लिए। एंड देन जो इनके आखिरी गेंदबाज है युजवेंद्र चहल, इनका तो स्लॉट कन्फर्म है, हम सबको पता है आरसीबी के सबसे मेन गेंदबाज है और हर साल ये सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं आरसीबी। तो आप आरसीबी का प्लेइंग 11 अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड आरसीबी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है हर सीजन में उनकी गेंदबाजी, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई किया है, इसीलिए मैंने चार फास्ट गेंदबाज रखे हैं, उमेश यादव, नवदीप सैनी, डेल स्टेन और क्रिस मॉरिस। एंड यहां पे आपको दो स्पिनर्स देखने को मिल रहे होंगे, वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल, तो बॉलिंग में काफी सारे ऑप्शंस हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर स्पिन पिच होता है तो शायद हमें नवदीप सैनी के जगह पे पवन नेगी खेलते हुए दिखे, तो तीन स्पिनर्स हो जाएंगे और तीन फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर स्पिन पिच नहीं होता है तो हमें मोस्टली यही लाइनअप खेलते हुए दिखेगा। एंड डेल स्टेन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, डेल स्टेन का इंजरी हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है, तो इनकी जगह पे केन रिचर्डसन है जिनको रिप्लेसमेंट के लिए रखा गया है, तो जब भी ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इनको जरूर रिप्लेस किया जाएगा। और एरोन फिंच के रिप्लेसमेंट के लिए भी प्लेयर्स हैं, लाइक जोसुआ फिलिप को रखा गया है जो एक कमाल के बल्लेबाज है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आरसीबी ने हर प्लेयर का एक अच्छा रिप्लेसमेंट रखा है, तो ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। एंड ऐसा गाइज कोच ने बताया था आरसीबी के, मैंने सुना कि जो ओपनर्स होने वाले हैं वो विराट कोहली और फिंच होने वाले हैं, मुझे भी ये बात पता है, अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं पता है तो मुझे पता है, बट आप एक बार खुद से ट्राई करना उन दोनों को ओपनर रख के आरसीबी का प्लेइंग 11 बनाने का, तो आपको भी जो टीम है वो थोड़ा वीक दिखेगा इससे जो मैंने अभी प्लेइंग 11 बनाया है। एंड आप अपना प्लेइंग 11 मुझे जरूर बता सकते हो नीचे कमेंट्स में लिख के, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपके हिसाब से आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको नेक्स्ट प्लेइंग 11 वाली वीडियो कौन सी टीम पे चाहिए। और बस यही थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जैसे अगली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।